दोस्तों YouTube वीडियोस का थंबनेल बनाने में मुसीबत तो तब आता है जब अपने थंबनेल में आपको इस प्रकार इफेक्ट डालना, डालना होता है या फिर इस प्रकार इफेक्ट डालना होता है या फिर इस प्रकार इफेक्ट डालना होता है या फिर बहुत सारे पीएनजी का जरूरत पड़ता है दोस्तों आप लोग दो मनोज भाई का थंबनेल देखे होंगे तो उसका सारे थंबनेल में अलग अलग इफेक्ट होता है अलग अलग पीएनजी का यूज किया होता है जिसके कारण उसका थमलेल अच्छा दिखता है अगर उसके बाद अगर टेक्निकल योगी सर का थमले देखेंगे तो उसके भी थमलेल में बहुत सारे इफेक्ट का यूज किया जाता है जिसके बाद उसका थमलेल अच्छा दिखता है पर्सनली मैं भी अपने थमलेल में बहुत सारे इफेक्ट का यूज करता हूँ जिसके कारण मेरा भी थमलेल अच्छा लगता है तो दोस्तों

आप लगा सकते हो खुद से क्रिएट कर सकते हो और अपना थमनेल में लगा करके और एक बढ़िया थमनेल आप बना सकते हो और दोस्तों देखिए बहुत सारे इमेज का भी जरूरत पड़ता है फ्री इमेज जैसे कि मान लीजिए पंखे के लिए बना रहे हैं तो पंखा का इमेज चाहिए तो वो इमेज कहां से मिलेगा सारा चीज बताऊंगा अगर आपको यूट्यूब का लोगो चाहिए वो लोगो कहा से मिलेगा बहुत सारा इमेजेस का जरूरत पड़ता है थमनेल बनाने के टाइम तो वो सारा इमेज को कहां से हम डाउनलोड करते हैं और बहुत सारे इफेक्ट कहां से बनाते हैं कैसे बनाते हैं और थमनल अपना पर्सनली मैं कैसे बनाता हूं आज मैं आपको थंबनेल बनाने का तरीका बताऊंगा तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल पर आपको यूट्यूब से लेकर सारे वीडियो मिलता है तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट अब दोस्तों आ चुके मोबाइल स्क्रीन में आपको लाइव यहां पर थमनेल बना करके दिखाने वाला हूं सारा चीज ठीक है अब यहां पर देखिए पहले आपको बता थंबनेल बनाने के लिए मैं जो एप्लीकेशन का यूज करता हूं वो है लैब और पर्सनली बहुत सारे क्रिएटर बड़े बड़े क्रिएटर सब कोई इसी एप्लीकेशन का यूज करता है और जिसके पास लैपटॉप है कंप्यूटर है वो फोटोशॉप का यूज करता है लेकिन मोबाइल से सारा क्रिएटर इन्हीं एप्लीकेशन को यूज करता है पिक्सल लैब को तो यहां पर देखिए मैं भी लैब से बनाता हूं तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना अब देखिए यहां पर लैब एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन जैसे ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा अब यहां पर देखिए आपको youtube वीडियोस का थंबनेल बनाना है तो पहले तो उसका साइज आपको सेलेक्ट करना होगा तो उसका साइज के लिए आपको जाना है यहां पर इस थ्री बिंदु पर ये थ्री बिंदु दिख रहा है इस पर आपको करना है क्लिक अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है इमेज साइज का तो आपको इस पर कर देना है क्लिक मैं इमेज साइज पर क्लिक करता हूं यहां पर जो कस्टम मिल रहा है कस्टम पर क्लिक करना है और यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूट्यूब्यूब थमनेल तो पर, पर कर देना है क्लिक और उसके बाद आपको यहां पर ओके कर देना है जैसे ओके करेंगे तो ये जो आपका साइज हो गया यूट्यूब थमनेल का साइज हो गया यहीं पर आपको जितना सारा काम करना है सारा चीज करना इफेक्ट का यूज करना है पी का यूज करना है अपना थर्मनेल रेडी करना है तो यहां पर देखिए अभी भाई का देखे कि बहुत सारा ग्रेडियंट कलर में उसका बैकग्राउंड होता है एक थंबनेल में दो कलर तीन कलर यूज करता है और बहुत ही अच्छा प्रीमियम दिखता है उसका थंबनेल तो उस प्रकार बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं तो यहां पर देखिए बैकग्राउंड यहां पर देखिए दो तरीके का होता है पहला होता है सिंपल एक कलर दूसरा होता है

ब्लू सेलेक्ट कर लिया तो देखिए मेरा ब्लू हो गया बैकग्राउंड तो अपने हिसाब से बैकग्राउंड बना सकते हैं लेकिन ये तो हो गया साधारण एक कलर का मेरा बैकग्राउंड लेकिन मुझे मल्टी कलर मान लीजिए रखना है मान लीजिए मुझे इस तरह का बैकग्राउंड बनाना है तो बैकग्राउंड कैसे बनेगा तो इसके लिए देखिए यहां पर आपको एक नीचे का ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट का नीचे ठीक है तो बस इस पर आपको करना है क्लिक अब इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर कुछ बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया था ये वाला देखो उसके बाद ये वाला देखो कुछ बैकग्राउंड आपको मिलता है पहले से ठीक है लेकिन इनसे अच्छा बना सकते हो तो कैसे यहां पर देखिए आपको यहां पर मिल रहा है प्लस का आइकन इस पर आपको सिंपली करना है क्लिक अब देखिए यहां पर आपको पहले तो ऊपर में आपको कुछ इफेक्ट यहां पर देखने को मिलता है पहले यहां पर देखिए ये वाला मिलता है ये वाला मिलता है ये वाला ये वाला आपको कुछ मिलता है अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हो जाता है बाकी इस पर क्लिक करने से ऐसे हो जाता है ऐसे हो जाता है ऐसे हो जाता है ऐसे और ऐसे आपको यहाँ पे डिजाइन मतलब मिल गया लेकिन मुझे इसमें अलग कलर डालना है यहां पर जैसे कि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है लेकिन मुझे अलग कलर रखना है तो यहां पर देखिए पहले आपको कौन सी कलर रखना है पहले उसे सेलेक्ट कर लो तो यहां पर जैसे कि मैं क्या करूंगा इस प्रकार से मेरा है अब यहां पर मैं इस साइड का कर देता हूं इधर वाला जो है यहां पर देखिए इस पर आपको जो व्हाइट वाला है इसका कलर चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और ब्लैक वाला चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करना है तो यहां पर मैं इस पर प्रेस कर लेता हूं इधर वाला पर प्रेस कर लेता हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा कलर पर क्लिक करता हूं और यहां से कलर सेलेक्ट कर लेता हूं मैं कर लेता हूं कोई कलर में सेलेक्ट कर लेता हूं चलिए यहां पर तो मैंने इस प्रकार से यहां पर कलर सेलेक्ट कर लिया और यहां पर मैं ओके कर देता हूं ये हो गया अब मैं क्या करूंगा ब्लैक साइड जो है तो ब्लैक साइड यहां पर आप चाहो तो ब्लैक का भी कलर चेंज कर सकते हो जो भी रखना है आपको लेकिन ब्लैक में ब्लैक ही रखूंगा ठीक है ब्लैक ही रखूंगा और यहां पर मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा ताकि देखने में और प्रीमियम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इस प्रकार से कहीं पर भी ठीक है इसको भी कर सकते इधर उधर कर सकते हो तो यहां पर मैं कस्टमाइज कर लिया हूं इस प्रकार से मेरा बैकग्राउंड यहां पर बन गया अब मैं क्या करूंगा अपने हिसाब से बना सकते हो और यहां पर मैं ओके कर देता हूं तो मेरा बैकग्राउंड जो है कुछ इस प्रकार दिख रहा है अब ये बैकग्राउंड मेरा रेडी है अब देखिए यहां पर क्या करूंगा ये आपका बैकग्राउंड बन गया लेकिन यहां पर जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारा इफेक्ट का यूज करता है मनोज भाई मैं भी यूज करता हूं तो इफेक्ट कैसे बनाया जाता है तो यहां पर देखिए जब बैकग्राउंड आपका बन जाएगा तो ये बैकग्राउंड आपका यहां पर सेव हो जाएगा यहां पर देखिए आपका बैकग्राउंड यहां पर सेव हो जाएगा इसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली इस बैकग्राउंड को यहां पर एड कर सकते हो तो मेरा बैकग्राउंड यहां पर सेव हो गया अब मैं आपको चलिए इफेक्ट बनाने का तरीका बताता हूं उस पर इफेक्ट कैसे बनाना है आपको तो यहां पर देखिए इफेक्ट बनाने के लिए

उतना अच्छा दिखेगा अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है यहां पर जो आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है फिल इन साइड इसको आपको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद यहां पर आपको अपने इफेक्ट बनाना है तो चलिए मैं यहां पर आपको ड्रॉइंग करना है इस प्रकार से मैं ड्रॉइंग कर लेता हूं चलिए फटाक से ठीक है यहां से इस प्रकार से मैं ड्रॉइंग कर लेता हूं चलिए मैं दोबारा ड्रॉइंग कर लेता हूं अगर गलत होता है तो अपने हिसाब से आप यहां पर ड्रॉइंग कर लेना है चलिए मैं कर लेता हूं तो इस प्रकार से मैंने ड्रॉइंग कर लिया तो देखिए मेरा यह हो गया अब अभी यह दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन देखिए बहुत अच्छा दिखेगा यहां पर देखिए यह आपका बन गया व्हाइट कलर में मेरा यहां पर दिख रहा है तो यहां पर देखिए आपको एक बार क्या करना है इससे एक बार आपको सेव कर देना थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इस प्रकार से और यहां पर इसको आपको एक बार सेव कर देना यहां से एक बार आपको सेव कर लेना चलिए मैं इसको यहां पर सेव कर लेता हूँ अल्ट्रा में सेव कर लेता हूं इसको सेव होने देते हैं अब ये मेरा सेव हो चुका है ये मेरा गैलरी में आ गया होगा यहां पर देखिए इस प्रकार से इफेक्ट आप बना सकते हो व्हाइट कलर दिख रहा है लेकिन आपको अभी अभी पता नहीं चल रहा है ना अभी चलेगा मैं एड करूंगा वहां पर तो दिख जाएगा आपको ठीक है यहां पर मेरा बैकग्राउंड बन गया है ठीक है अब यहां पर देखिए ये आपका जो इफेक्ट है बन गया और अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का इफेक्ट बना सकते हो मान लीजिए अगर आपको इस प्रकार का इफेक्ट बनाना है तो यहां पर इस प्रकार से मान लीजिए कोई इफेक्ट देता है ना पेपर वाला तो वो भी बना सकते हो इफेक्ट इसी प्रकार से बनाया जाता है अपने हिसाब से आपको जैसा इफेक्ट बनाना है बीच में आपको इफेक्ट डालना है इस प्रकार से भी बना सकते हो इसी पर ड्रॉइंग ड्रॉ पर क्लिक करके ठीक है और उसे एक बार सेव कर लेना ये हो गया अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि थमनेल आपको कैसे बनाना है तो यहां पर देखिए अब मैं चली चलता हूं यहां पर और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूं दोबारा उसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया अब देखिए वो बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया अब देखिए मेरा बैकग्राउंड आ गया अब पहला काम मेरा यहां पर क्या है उस इफेक्ट को यहां पर एड करना है यहां पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं और यहां पर पर से इफेक्ट को मैं एड कर लेता हूं चलिए मैं aid मैंने कर लिया देखिए देखिए अब देखे कितना अच्छा देखने में लगेगा यहां पर देखिए इफेक्ट इफेक्ट तो ये मैंने डाल दिया और अब देखिए इफेक्ट डालने के बाद आप अपने इफेक्ट में थोड़ा सा यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है शेडो का देखिए यहां पर शेडो का इसे थोड़ा सा ऑन कर देना हल्का रखना ज्यादा नहीं रखना यहां पर हल्का रखना ठीक है तो और ज्यादा प्रीमियम देखने में लगेगा तो मैंने ऑन कर दिया अब ये काम करना अभी देखिए ये वाला इधर उधर घिसक रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है ना घिस के इसके लिए क्या करना है कि यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है इस पर क्लिक करके यहां पर लॉक कर देना यहां पर देखिए लॉक का ऑप्शन मिल रहा है इस पर लॉक कर देना अब घिसकना बंद हो जाएगा यहां तक हो गया अब देखिए मेरा सेकेंड काम क्या है यहाँ पर मुझे अपना इमेज यूज करना है पीएनजी मान लीजिए अगर आपको खुद का फोटो लगाना है तो उसके लिए पीएनजी चाहिए तो पीएनजी खुद का फोटो को मान लीजिए अगर आपका फोटो कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मान लीजिए आपका फोटो कुछ इस प्रकार से है आपका जैसे कि यहाँ पर मेरा दिख रहा है अब इस फोटो को मुझे पीएनजी बनाना है क्या करेंगे अपने इमेज को आप इस एप्लीकेशन से पीएनजी बना सकते हो बैकग्राउंड इरेजर से यहां से बना सकते हो इसके लिए पूरा वीडियो है यूट्यूब पर बहुत सारा आपको मिल जाएगा ठीक है अब देखिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अब देखिए आपको पीएनजी बनाना है तो पी एनजी में ऑलरेडी बना करके कर रखा हूं यहां पर दिखाता हूं यहां पर देखिए मैंने पीएनजी बना करके कर रखा हूं ये मेरा पीएनजी है बैकग्राउंड इमेज किया हुआ है अब इस इमेज को यहां पर चलिए मैं ऐड कर लेता हूं इंपोर्ट पर क्लिक करता हूं यहां पर देखिए उस इमेज को ऐड कर लेता हूं फटाक से तो देखिए मेरा यहां का काम हो गया कंप्लीट मैंने ऐड कर लिया इमेज को अब अपना इमेज में आपको थोड़ा सा शेडो डाल देना है जो शेडो में आपको दिखाया पहले ना ये शेडो इसे यूज करना है हल्का सा और शेडो का कलर देखिए का जो बैकग्राउंड कलर है उसे रखना अपना जो अपना, आपका थंबनेल का जो बैकग्राउंड है उसी से मिलता जुलता रखना यहां पर देखिए मैं इसी कलर को रखूंगा और ज्यादा प्रीमियम दिखेगा तो मैंने शेडो डाल दिया ये देखिए देखने में अच्छा लग रहा है इसको भी लॉक कर देते हैं यहां से ताकि इधर उधर घिसके ना देखिए मेरा लॉक हो गया इतना दूर हो गया तो यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर देखिए यहां पर सबसे पहले मुझे चाहिए YouTube का एक लोगो YouTube का एक लोगो चाहिए तो वो लोगो मुझे कहां से मिलेगा और कोई भी आपको इमेज चाहिए जो कॉपीराइट फ्री हो तो कोई भी इमेज हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो मुझे फिलहाल यूट्यूब का एक लोगो चाहिए पीएनजी वाला तो वो कहां से मिलेगा तो इसके लिए देखिए आपको अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है इमेज डाउनलोडर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ठीक है और सारे एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो तो यहां पर मैं क्या करता हूं इमेज डाउनलोडर को कर लेता हूं ओपन ओपन करने के बाद यहां पर लिखूंगा देखिए यहां पर लिखूंगा मैं वाई वो यू यूट्यूब लोगो लोगो पी इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर अब जो भी चाहिए अगर आपको मान लीजिए बिल्ली का चाहिए बिल्ली आप सर्च कर सकते हो अगर आपको पंखा का चाहिए पंखा सर्च कर सकते हो लैपटॉप का चाहिए लैपटॉप सर्च कर सकते हो आपको जो भी इमेज चाहिए यहाँ पर सर्च करना तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा लोगो दिख रहा है इस लोगों को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ चलिए मैं डाउनलोड मैंने कर लिया आ गया यहाँ पर अब उस लोगो को पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इम्पोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर मैं एड कर लेता हूँ चलिए तो मैंने एड कर लिया देखिए लोगो यहाँ पर मेरा आ चुका है अब इस लोगों को यहां पर मैं कर लेता हूं एडजेस्ट थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं यहां पर देखिए इस प्रकार से और लोगो मेरा और ज्यादा प्रीमियम दिखे इसके लिए देखिए यहां पर एक इफेक्ट का यूज करूंगा जो कि यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं लोगों पर क्लिक कर लेता हूं और यहां पर मैं चली चलता हूं एक ऑप्शन आपको मिलता है इन एयर शैडो यहां पर तो इसको मैं थोड़ा सा एनेबल कर देता हूं देखिए लोगो और ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है देखिए अच्छा दिख रहा है अब उसके बाद देखिए यहां पर मैं और अच्छा दिखे इसलिए लोगों को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं इसी को थोड़ा सा रोटेट और कर देता हूं यहां पर इस प्रकार से और थोड़ा छोटा कर देता हूं देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने डाल दिया हो गया अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है इसको एडजस्ट करेंगे उतना अच्छा दिखेगा जितना ज्यादा एडजस्ट करेंगे ठीक है तो मैंने कर दिया अब देखिए यहां पर मैं लिखूंगा यूट्यूब पहला मुझे क्या लिखना है यूट्यूब चलिए मैं लिखता हूं यहां पर वाई वो यू YouTube मैंने लिख लिया अब यहां पर देखिए YouTube को मैं यहां पर कर लेता हूँ एड इस प्रकार से चलिए मैं यहां पर एड कर लेता हूँ ठीक है अब एड करने के बाद देखिए आपको इस फॉन्ट को थोड़ा सा यहां से बोल्ड भी कर सकते हो यहां पर आपको दिखाता हूँ यहां पर एक ऑप्शन मिलता है आपको बोल्ड का अगर बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए मेरा बोल्ड हो जाएगा बोल्ड हो गया इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अच्छा लग रहा है ये वाला और लोगो मेरा अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा लोगों को मैं क्या करूँगा इधर थोड़ा सा घिसका दूंगा इस प्रकार से और इसको भी थोड़ा सा इस लोगो छोटा वाला को भी इधर थोड़ा कर दूंगा तो ये हो गया और यहां पर देखिए यूट्यूब मैंने लिख लिया यहां तक मेरा काम कंप्लीट है अब देखिए भाई अगर आपको अपने फॉन्ट को चेंज करना है तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉन्ट का यहां पर देखिए यहां पर मैं दिखाता हूं यहां पर देखिए फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है इस पर आपको कर देना क्लिक तो यहां पर मैं क्या करूंगा फॉन्ट पर कर देता हूं क्लिक अब फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर आपको बहुत सारा फॉन्ट मिलता है इनमें से कोई भी फॉन्ट आप रख सकते हो तो यहां पर मैं क्या करूंगा चलिए इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई से भी सेलेक्ट कर लेना मैंने सेलेक्ट कर लिया देखिए इस प्रकार से कुछ मेरा लुक आ गया अब मैं क्या करूंगा यहां पर लिखने वाला हूं यूट्यूब थमनेल तो थमनेल लिखने से पहले देखिए यहां पर मैं एक सेफ बनाऊंगा यहां पर देखिए सेफ कैसे बनाना है यहां पर देखिए आपको जाना है इस पर और यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है सेफ का मैं आपको दिखाता हूं दोबारा ठीक है दोबारा आपको दिखाता हूं यहां पर तो यहां पर देखिए सेफ क्रिएट करने के लिए क्या करना है सेफ का आपको ऑप्शन मिलता है नीचे तो इस पर आपको करना है प्रेस और यहां पर देखिए आप कोई सा भी सेब बना सकते हो इस प्रकार से ताकि और अच्छा दिखेगा प्रीमियम आपको अगर थंबनेल बनाना है तो इस प्रकार इफेक्ट आपको लगाना होगा अपने थंबनेल में ताकि और अच्छा प्रीमियम दिखे तो देखिए मैंने बना लिया अब यहां पर थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेते हैं इस प्रकार से ताकि और अच्छा प्रीमियम देखने में लगे तो मैंने रोटेट कर लिया अब देखिए यहां पर इसका देखिए अभी ये वाइट लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है तो पहले तो क्या करना है इसको आपको नीचे कर देना यहां से देखिए यहां से नीचे मैंने कर दिया बैकग्राउंड के नीचे तो देखिए अंदर चल गया अब मैं क्या करूंगा इसको और प्रीमियम लाने के लिए इस पर प्रेस कर लूंगा यहां पर एडिट जो ऑप्शन मिल रहा है यहां पर एडिट पर मैं क्लिक करके और यहां पर इसका कलर कुछ अलग रखने वाला हूं यहां पर देखिए ग्रेडियंट कलर रख दूंगा ये यह वाला यहां पर देखिए यहां पर एक साइड में क्या रखूंगा मैं आपको दिखाता हूं एक साइड इस प्रकार से देखिए एक साइड में ब्लैक और एक साइड व्हाइट इस प्रकार से बना लिया और यहां पर मैं इस प्रकार से कुछ सेट कर दिया देखिए अब मेरा और अच्छा दिखेगा देखिए यहां पर देखने में प्रीमियम लग रहा है यहां पर यह हो गया अब देखिए इसके साथ मुझे यूट्यूब को भी थोड़ा सा रोटेट करना ताकि अच्छा और लगे मैंने इस प्रकार से रोटेट कर लिया ये हो गया अब देखिए यहां पर मुझे लिखना है थमनेल तो मैं लिखूंगा थमनेल यहां पर मैं क्या करता हूं टेक्स पर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं थमनेल देखिए मैं लिखता हूँ टी एच यू एम थमनेल थमनेल मैंने लिख लिया हूं और देखिए यहां पर इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं चलिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूं अपने हिसाब से आपको बड़ा करना है साइज आपको अपने हिसाब से रखना है ठीक है तो देखिए मैंने थंबनेल लिख लिया लेकिन इसका कलर यहां पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा यहां पर देखिए कलर आप कोई भी रख सकते हो अपना टेक्स्ट का जो कलर होता है उसे चेंज कर सकते हो रेड कर सकते हो ब्लू कर सकते हो आप अपने हिसाब से आपको जो भी कलर रखना है रख सकते हो ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूंगा इसका जो कलर है मुझे रेड चाहिए तो यहाँ पर रेड मिल गया तो रेड पर मैं क्लिक कर लूंगा देखिए यहाँ पर मेरा कुछ इस प्रकार से दिखना स्टार्ट हो गया और यहां से आपको सेट कर लेना अपने हिसाब से तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट तो कर लिया लेकिन ये पतला लग रहा है अच्छा देखने में नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखिए यहां पर आपको दिखाता हूं यहां पर मैं बोल्ड पर करूंगा क्लिक बोल्ड पर क्लिक किया इस प्रकार से और उसके बाद आपको दिखाता हूं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर थोड़ा सा इनियर साइडो जो आपको बताया उसको थोड़ा सा ऑन कर देंगे चलिए तो मैंने थोड़ा सा ऑन कर दिया देखिए यहां पर ठीक है तो इस प्रकार से मेरा यहां पर कुछ अभी बन गया है अब मेरा हो गया यूट्यूब थमनेल अब मुझे लिखना है यहां पर कैसे बनाए यहां पर देखिए मैं लिखूंगा यहां पर कैसे बनाएं तो यहां पर लिखता हूं कैसे बनाए बनाएं अब देखिए मैं हिंदी फोन का यूज कर रहा हूं तो गूगल गूल की एक एप्लीकेशन आता है उससे आप भी कर सकते हो ठीक है यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं कैसे बनाएं तो इस प्रकार से मैंने यहां पे कैसे बनाएं लिख कर इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं यहां पर चलिए मैं बोल्ड कर दिया अब देखिए दोस्तों इसमें अगर आप और प्रीमियम दिखाना चाहते हो तो यहां पर देखिए मैं कुछ फोन एक्स्ट्रा एड किया हूँ वो फंड को कैसे एड करना मैं आपको बता दूंगा यहां पर देखिए कुछ फॉन्ट एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ जिसे मैं यूज करने वाला हूँ देखिए यहाँ पर मान लीजिए थंबनेल पर टिकअप कर लेता हूँ और यहां पर मैं जाता हूँ फॉन्ट पर देखिए फॉन्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए माई फोन पर जाता हूं तो कुछ फोन मैंने एड करके कर रखा हूं इन सारे फॉन्ड को यहां पर देखिए और अच्छा थोड़ा दिखेगा प्रीमियम दिखेगा यहां पर देखिए इस प्रकार से हो गया बाकी इस प्रकार से अब यूट्यूब का जो है इसको मैं सीधा कर देता हूं यूट्यूब को ठीक है ताकि ये अच्छा लगे चलिए मैं इसको सीधा कर देता हूं तो यहां पर देखिए दोस्तों मैंने इतना काम किया लेकिन अभी भी ये थमलेल प्रीमियम नहीं लग रहा है तो इसको प्रीमियम करने के लिए अब क्या करूंगा यहां पर देखिए मैं इस थमले वाला टैक्स को नीचे कर लेता हूं और इसको मैं सीधा कर देता हूं क्योंकि रोटेड में अच्छा नहीं लग रहा था तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ इस प्रकार से और यहाँ पर मैं थंबनेल वाला टेक्स्ट को चलिए दोबारा ऊपर करता हूं इसको भी सीधा कर देता हूं यहां पर कभी कभी क्या होता है कि रोटेड वाला अच्छा नहीं लगेगा तो आप इस प्रकार से सीधा कर सकते हो और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूं अब देखिए टेक्स्ट में कुछ अच्छा यहां पर देखने में नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इस पर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए जो शेडो का ऑप्शन मिलता है यहां पर देखिए आप यहां पर जो कि स्ट्रोक को तो यूज कर सकते हो शेडो यूज कर सकते हो और यहां पर देखिए इनर शेडो को भी यूज कर सकते हो तो यहां पर मैं क्या करूंगा शेडो पर क्लिक करूंगा देखिए यहां पर शेडो थोड़ा ऑन कर देते हैं देखिए अब और ज्यादा प्रीमियम हो गया है बस मैंने शेडो डाल दिया देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है उसके बाद देखिए मैं इस पर भी शेडो थोड़ा डाल देता हूं कैसे बनाए पर तो देखिए मैंने शेडो डाल दिया अच्छा देखने में लग रहा है अब उसके बाद देखिए यहां पर थंबनेल वाला जो मेरा जो टेक्स्ट है ये रेड कलर में अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है तो यहां पर मैं क्या करूंगा इसको मैं कर दूंगा अपना बैकग्राउंड कलर ही चलिए मैं बैकग्राउंड का कलर ही रख दूंगा इसको ठीक है अब देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूं और ज्यादा ये प्रीमियम देखने में लगेगा चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं तो मैंने यहां पर क्या किया जो थंबनेल का जो टेक्स्ट था इसका भी कलर कर दिया बैकग्राउंड कलर अब देखिए ये देखने में और ज्यादा अच्छा लगेगा देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं अभी थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं इसे एडजस्ट कर लेता हूं आपको भी इस प्रकार से एडजस्ट करना होगा यहां पर देखिए ठीक है यहां पर देखिए मैं अब आपको दिखाता हूं अब इसमें भी क्या करता हूं मैं ब्लैक कलर का यहां पर थोड़ा सा शेडो डाल देता हूं चलिए मैं यहां पर शेडो भी डाल देता हूं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने तीनों में शेडो भी डाल दिया और यहाँ पर कलर को भी मैच करा दिया अब देखिए थंबनेल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है अब इसको मुझे सेव करना है तो सेव करने के लिए क्या करना आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना ऊपर वाला आपको जो ये ऑप्शन मिल रहा है यहां पर देखिए इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर देखिए आपको जो मिल रहा है सेव एस इमेज आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हो पहले आपको सेव एस इमेज पर क्लिक करना है प्रोजेक्ट पर और यहां पर आप इसे पहले सेव कर लेना एक बार कोई प्रोजेक्ट में वो दे देता हूं और यहां पर सेव कर लेता हूं तो ये आपका प्रोजेक्ट में सेव हो गया ठीक है ये आपका देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा जैसे कि मैं माही प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपका दिख जाएगा सबसे टॉप में आ रहा है ठीक है यहां से डायरेक्टली इसको कभी भी ओपन कर सकते हो अब इसको मैं चलिए आपको सेव करने का तरीका बताता हूं तो यहां पर आपको सेव पर क्लिक करना है सेव एस इमेज पर क्लिक करना है और यहां पर देखिए आपको यहां पर देखिए आपको अल्ट्रा पर सेव नहीं करना है यहां पर अल्ट्रा इन सब पर सेव नहीं करना है आपको यहां पर कस्टम पर रहने देना है इसका क्वालिटी एकदम जबरदस्त रखना चाहते हो हाई क्वालिटी रखना चाहते हो तो कस्टम में आपको क्या करना है यहां पर आपको कर देना है छिहत्तर और यहां पर देखिए आपको कर देना है तैंतालीस इस प्रकार से तैंतालीस सौ बीस और इसको आपको सेव कर देना है तो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वालिटी जो होगा जबरदस्त क्वालिटी आएगा मतलब कितना जूम करेंगे आपको फटेगा नहीं देखिए मैं आपको अभी सेव करके और आपको दिखाता हूँ थमनेल मेरा बन जाएगा मतलब यहाँ पे हाई क्वालिटी में अब मैं चलिए अपना गैलरी में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए गैलरी पर चलता हूँ यहाँ पर देखिए मेरा थमनेल बन गया है और देखने में अच्छा लग रहा है तो इस प्रकार से आपको अपने यूट्यूब वीडियोज का थमनेल बनाना है और ऐसे थमनेल बनाते हैं तो आपके थमनेल में अच्छा सी भी आएगा और अच्छा व्यूज भी आपके वीडियोज पर आएगा तो दोस्तों अब मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कैसे अपने चैनल

लिंक शॉर्टनर लिखकर सर्च कर देना बाकी आपको यहां पर लिंक शॉर्टनर का एक दो बहुत सारे वेबसाइट दिखेगा किसी पर भी क्लिक कर देना तो यहां पर मैं क्या करता हूं यहां पर मैं इस पर करता हूं क्लिक अब इस पर जैसे क्लिक करता हूं तो उसके बाद देखिए आपके सामने इस पर कहा जाएगा यहां पर आपको पेस्ट कर देना उस लिंक को पेस्ट करके और यहां पर आपको शॉर्टनर यू पर कर देना क्लिक जैसे क्लिक करेंगे तो आपका लिंक यहाँ पर शॉर्टनर कर दिया जाएगा अब देखिए इस लिंक को आपको यहाँ से कर लेना कॉपी कॉपी कर लिया अब कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है दोबारा आपको अपने मोबाइल का यूट्यूब अप्लीकेशन को कर लेना ओपन और यहाँ पर आपको जाना सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको टाइप करना है वाई O यू टी यू बी ई आर यूट्यूबर ज्ञान आपको सर्च करना है यूट्यूबर ज्ञान तो मेरा सेकंड चैनल दिखेगा जिस पर नब्बे सब्सक्राइबर है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना अब देखिए इस चैनल को आपको कर लेना ओपन और यहां पर आपको जाना है इसके कम्युनिटी वाले सेक्शन में तो यहां पर देखिए सबसे टॉप में आपको एक कम्युनिटी पोस्ट दिखता है जिसमें अस्सी हजार लोगों ने वोट किया है और इतने लोगों ने सब्सक्राइबर अपना पूरा किया है तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिल रहा है इस लिंक पर आपको कर देना है क्लिक अब लिंक पर इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरा टेलीग्राम का ग्रुप दिखेगा जहां पर लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आता है तो यहीं से आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है लेकिन तरीका आपको समझना होगा कि सब्सक्राइबर हम बढ़ाएं कैसे अब यहां पर देखो यहां पर जैसे कि मेरे इस ग्रुप में कितना लोग दिख रहा है दो लाख बत्तीस हजार छह सौ चौरासी लोग दिख रहा है जिनमें से आठ सौ पचासी लोग अभी ऑनलाइन है यानी कि इतना लोग अभी सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है तो ये लोग काम कर रहा है अपना संस्कार बढ़ाने के लिए तो आप भी कर सकते हो यहां पर अब आपको कैसे संस्कार बढ़ाना वो चीज देखो यहां पर देखिए आपको संस्कार बढ़ाने के लिए क्या करना पहले तो इस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है ताकि दोबारा इस ग्रुप को ढूंढना ना पड़े तो पहले ज्वाइन हो जाना है ज्वाइन होने के बाद आपको क्या करना है यहां पर ग्रुप के टाइटल पर आपको करना है क्लिक इसके टाइटल पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए जो भी लोग ऑनलाइन रहेगा तो वो लोग आपको टॉप में दिख जाएगा यहां पर देखिए ऑनलाइन है ऑनलाइन है तो इन सब को आपको क्या करना है डायरेक्टली यहां पर से देखिए ये बंदा भी ऑनलाइन है तो क्या करना है आपको इस पर क्लिक करके और यहां पर आपको एक कमेंट का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको कमेंट कर देना है और यहां पर लिंक अपना सेंड कर देना बस बस अपना लिंक भेजना और आपको पांच से दस सेकंड का वेट करना है वो भी लिंक भेजेगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब करके आपको स्क्रीन देगा और आप भी उसको मदद कर देना अपना किसी दूसरे आईडी सब्सक्राइब कर देना उसको स्क्रीनशॉट दे देना यानी कि एक दूसरे में यहां से हेल्प कर सकते हो आपके चैनल में जीरो सब्सक्राइबर है उसके चैनल पर जीरो सब्सक्राइबर है आप एक नए यूट्यूबर है वो भी एक नया यूट्यूबर है तो उसको भी सब्सक्राइबर का जरूरत है आपको भी जरूरत है तो आप लोग एक दूसरे का जरूरत को पूरा कर सकते हो तो बस इसीलिए मैंने इस ग्रुप को बनाया है जिसमें दो लाख से ज्यादा मेंबर है तो आपको यहीं से सब्सक्राइबर बढ़ाना है और यहाँ पर देखिए अगर मेरा नाम लेकर कोई भी अगर आपको मैसेज करता है तो कोई पैसा मांगता है कि सौ रुपया दो एक हजार सब्सक्राइबर दे देंगे तो पचास रुपया दो एक हजार सब्सक्राइबर देंगे तो किसी को पैसा मत देना क्योंकि मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूं ठीक है बहुत लोग फ्रॉड करते हैं इस ग्रुप में तो किसी को एक रुपया मत देना तो दोस्तों इस प्रकार सब्सक्राइबर अपना बढ़ा सकते हो और अगर आपको थमनेल लगाना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके उस वीडियो को देख सकते हो और अपने थमनेल को लगा सकते हो तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम